हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आईटीआई वालों को जिनका इंतज़ार था अर्थात जिस भर्ती का इंतज़ार था अर्थात जो लोग अप्रेंटिसशिप करना चाहते थे भेल से, उनके लिए ये आपकी अप्रेंटिसशिप वैकेंसी आ चुकी है। तो दोस्तों जिस लोगों को अप्रेंटिसशिप करना है वो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या इसमें योग्यता मांगा है और इसका लास्ट डेट कब है, यहाँ पर मैं आपको मेंशन करके थोड़ा बहुत ऊपर से ही जानकारी दे देता हूँ। ये भेल हरिद्वार भर्ती है और ये ट्रेड अप्रेंटिसशिप के 305 पद है और ये 10वीं+ ITI वालों यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और एक और बात दोस्तों, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसकी जो लास्ट तिथि है वो है 19/12/2019। तो चलिए दोस्तों इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ और इसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या उसमें दिया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आपको लेकर चलते हैं ऑफिशियल उसके नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको लेके आ चुका हूँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो भेल के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो आपका जारी किया गया था 4/12/2019 को, अर्थात कल के ही डेट में आपका ये आपका जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आज इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये आपका भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार द्वारा ये आपका निकाली गई है अप्रेंटिसशिप का वेब। ठीक है, और ये जो आपका फॉर्म भरने वाला, ये जो आपका फॉर्म है ये हरिद्वार इकाई निम्नलिखित के अनुसार ट्रेड में ITI प्रशिक्षणों के लिए द्वारा ये फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर बात करें किन किन ट्रेडों के, तो यहाँ पर देख सकते हैं फीटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, ड्राफ्टमैन है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोटर मैकेनिक व्हीकल है, कॉरपोरेटर है, और ये आपका 10वां आता है फाउंड्री मैन। अब आपको बात करते हैं यहाँ पर जो रिक्तीय पद है, यहाँ पर फिटर पे 110 है, टर्नर में 30 है, मशीनिस्ट में 72 है, वेल्डर में 34 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 42 है और इलेक्ट्रीशियन में 42 है और आपका ड्राफ्टमैन में 3 है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 2 पद है। सबसे कम आपका है मोटर मैकेनिक व्हीकल में और कॉरपोरेटर में, इसमें एक है और यहाँ पर फाउंड्रीमैन में 10 है। अब इसमें मान के चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आयु सीमा मांगा गया है वो आपका मांगा गया है कब, 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, हर एक वैकेंसी में ऐसा ही मांग रहा है। और यहाँ पर को जो आपको छोड़ दिया जाता है, अन कैटेगरी के जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, वो लोग अर्थात पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 32 वर्ष और 40% उनके आर्थिक शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों, अर्थिबाधित, श्रवण बाधित या जो भी आपको कोई भी दिक्कत हो, दृष्टिबाधित हैं उनके लिए यहाँ पर 40% छूट जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें जो न्यूनतम योग्यता मांगा है, आपको मैं बता दूं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसमें जो योग्यता मांगा गया है, इसमें भी रखा गया है कि 2017-18 और 2019 कि ITI में जो लोग नियमित अभ्यर्थी है वही इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है हाई स्कूल एवं NCBT द्वारा मान्यता प्राप्त आप संस्था से यदि आप ITI किए हैं, चाहे आप हाई स्कूल किए हैं या आप ITI किए हैं, जो संस्था का मान्यता प्राप्त है उसे किए हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल रखें। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ और भी जानकारी दिया गया है, जैसे दिया गया है कि वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन तथा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड MBCT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में वर्ष 2017-2019 में ITI नियमित अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, जैसे कि आपको किस वेबसाइट पर इसको फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको किस बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि परीक्षण अवधि भारत का राजपत्र दिनांक 2 मार्च 2017 द्वारा दिए गए नियमानुसार यह कार्य होगा। ठीक है, और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर दिया गया है, अभ्यर्थियों को NCBT मिस पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है, कृपया इसका वेबसाइट यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं दोस्तों, जैसे कि हम और भी जानकारी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर पंजीकरण करने के लिए बात कही जा रही है, अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर NCBT बोर्ड ITI उत्तीर्ण होना चाहिए, परंतु इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक तथा वेल्डर ट्रेड SCBT बोर्ड में ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी आवेदन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर SCBT और NCBT दोनों लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते जो इसमें ट्रेड दिया गया उस ट्रेड से यदि आप ITI किए हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर नोट में कुछ महत्वपूर्ण बात दिया गया है, जैसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, इसमें दिया गया है दोस्तों कि BHEL हरिद्वार में कर्मचारियों कोडेड संविदा श्रमिक के अभ्यर्थियों को
के लिए किसी भी जिला संयोजन कार्यालय में नामांकन होना अनिवार्य नहीं है तथा आईटीआई उत्तीर्ण वर्ष 3 वर्ष तक अतिरिक्त छूट का प्रावधान है, परंतु एनसीबीटी मिस पोर्टल पर पंजीकरण तथा एनसीबीटी मिस पोर्टल पर आपको जाकर बीएचएल हरिद्वार में उपलब्ध सीटों के अनुसार अपने ट्रेड अप्लाई करना अनिवार्य है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ और भी जानकारी दी गई है, जैसा आपको कितना यहाँ पर कितना आपको वेतन मिलेगा, सैलरी जिसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है, जैसे दिया गया कि सभी चयनित वेल्डर कॉरपोरेटर तथा फाउंड्री में ट्रेड के अभ्यर्थियों को परीक्षण अवधि 7,700 प्रति माह, फिटर टर्नर मशीनिस्ट इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ड्राफ्टमैन मैकेनिक तथा मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड के अभ्यर्थियों के परीक्षण अवधि में 8,050 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में दिखा गया है कि आवेदक का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, अर्थात आपका फिजिकल यहाँ पर जो होगा, इसमें लिखा गया है कि आवेदक का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्ण दिया गया स्वरूप पर सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, जो इनका क्राइटेरिया है वो आपको पूरा करते तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें दिया गया है चयन प्रक्रिया कैसी होगी, ये तो आपका समझ सकते हैं। जब यहाँ पर मार्कशीट मांगा गया है तो आपका मेरिट के ही बेस पर होगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 10 से अधिक रिक्तियों वाले ट्रेड हेतु अभ्यर्थियों को चयन आईटीआई द्वारा हाई स्कूल में प्राप्त अंकों और आईटीआई अंक प्रतिशत 70% होना चाहिए। देखिए, सबसे अधिक मांगा है आपका किस में, भेल में मांगा है। जैसे कि मैं आपको रेलवे से संबंधित बहुत सारे दिया गया, वहाँ पर आपको कोई भी नहीं लिखा था कि आपका कितना होना चाहिए आईटीआई में और कितना हाई स्कूल में होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख रहा है कि आईटीआई के अंक प्रतिशत 50% और हाई स्कूल में आपका 30% है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। भर सकते हैं, हाई स्कूल में किसी का 30% नहीं होगा, 50 से ऊपर ही होगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मेरिट के आधार पर आपका सलेक्शन किया जाएगा, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आईटीआई में 70% मांगा है, यही सबसे ज़्यादा मांगा गया। अब देखते हैं दूसरा, यहाँ पर दिया गया नोट में, यहाँ पर दिया गया कि आईटीआई एवं हाई स्कूल के अंकों भारित औसत, यहाँ पर दोनों यहाँ पर मिलाकर अंकों का मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। यहाँ पर करने का मतलब यही है, काफ़ी वीडियो को लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर आपको बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि उपयुक्त प्रशिक्षण के लिए एनसीबीटी मिस पोर्टल पर पंजीकरण करने के उपरांत बीएचएल हरिद्वार कैरियर वेबसाइट, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है careers.behavior.com/in, यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका, उसी पर आप अप्लाई आवेदन कीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आप सारे डॉक्यूमेंट को अपडेट करना पड़ेगा, उस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी गई है कि कितने केबी तक आपका फ़ोटो अपलोड होगा। तो आप जहाँ से फॉर्म भराएंगे वहाँ, तो वहाँ पर जब आप भराएंगे तो वहाँ पर आपको खुद पता चलेगा कि 30 KB या कितने KB में आपको उठा रहा है, तो वो आपको कंप्यूटर वाले बना के दे देंगे। यहाँ पर कोई भी और भी जानकारी नहीं दी गई है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पर ये इसका जो नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ, मुझे आज ही प्राप्त हुआ, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखा तो वहाँ पर इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। जैसे कि कोई भी आपको वैकेंसी आती है किसी भी आपके ट्रेड्स की, या कोई भी चाहे रेलवे की आती है या कोई भी आती है अप्रेंटिसशिप की जानकारी, तो मैं वहाँ पर खोज करता हूँ, वहाँ पर कोई भी आती है तो मैं आपको अपडेट लेकर आता रहता हूँ। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप इसका ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस समझ के आप ऑनलाइन कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड भी दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।